हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब फैमिली में। मैं हूं पलाश राव। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के अब सुपर 12 के मुकाबले आज से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 22 अक्टूबर 2022 से आज से सुपर 12 के मुकाबले जो है शुरू हो जाएंगे। और पहला जो मुकाबला होगा वो 12:30 बजे से होगा भारतीय समय अनुसार, दोपहर 12:30 बजे से। और वहीं दूसरा मुकाबला होगा 4:30 बजे से, यानी कि आज दो मुकाबले खेले जाने हैं सुपर 12 के। ग्रुप ए के सुपर 12 के मुकाबले खेले जाने हैं, दो मुकाबले आज होंगे। दो ग्रुप में जो 12 टीमें हैं वो बटी हुई है, 6-6 टीमों की एक एक ग्रुप होंगे, 6-6 टीमों के एक एक ग्रुप। पहले जो ग्रुप ए में 6 टीमें होंगे और ग्रुप बी में 6 टीमें होंगी। तो आज जो मुकाबला होगा सुपर 12 का वो ग्रुप ए का मुकाबला होगा। दो मुकाबले ग्रुप ए के खेले जाएंगे आज सुपर 12 के। ग्रुप ए के दो मुकाबले आज खेले जाएंगे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। तो वहीं माफ़ कीजिएगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12:30 बजे से 12:30 मिनट से मुकाबला शुरू हो जाएगा ग्रुप ए का। वहीं दूसरा मुकाबला 4:30 बजे से इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान होगा। लेकिन सुपर 12 में इस बीच कौन सी टीमें फाइनल हुई है, कौन सी वो 12 टीमें हैं जो सुपर 12 में नज़र आएंगी खेलते हुए इस आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में, वो हम जान लेते हैं इस वीडियो में। और आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 में मुकाबले सुपर 12 से कौन सी टीम बाहर हुई है, मतलब जो क्वालिफायर राउंड था उसमें से कौन सी टीम जो मुख्य जिसने दो विश्व कप अपने नाम किया है, ऐसी कौन सी टीम है वो बाहर हुई है, वो भी हम आपको बताते हैं। बता दूँ आपको, वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत बड़ा झटका है। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो क्वालिफायर राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाई और पहले ही बाहर हो गई, सुपर 12 में पहुंच ही नहीं पाई वेस्ट इंडीज़ की टीम। सुपर 12 में ऐसा पहली बार वेस्ट इंडीज़ के लिए हुआ है जो सुपर 12 में नहीं आई। और दो खिताब अपने नाम करने वाली आईसीसी टी20 विश्व कप का दो खिताब अपने नाम करने वाली वेस्ट इंडीज़ की टीम आईसीसी टी20 विश्व कप में इस बार सुपर 12 के मुकाबले में नज़र नहीं आएंगी। पहले ही वेस्ट इंडीज़ बाहर हो चुकी है। और श्रीलंका और नीदरलैंड और अफगानिस्तान ये सुपर 12 में नज़र आएंगी। और बता दूँ आपको, ग्रुप ए के मुकाबले ग्रुप ए में नीदरलैंड और वहाँ और जिम्बाब्वे ये दो टीमें नज़र आएंगी ग्रुप ए में। ग्रुप बी में श्रीलंका और अफगानिस्तान रहेंगी। तो एक बार सारी टीमें हम देख लेते हैं सुपर 12 में कौन सी टीमें हैं इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। अब शुरू होगा असली वर्ल्ड कप, सुपर -12 की सभी टीमें हुई फाइनल, जानिए भारत के ग्रुप में कौन पहुंचा। स्पोर्ट्स क्लब टीवी वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबले खत्म हो गए हैं। आखिरी मैच स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। जिम्बाब्वे की टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर सुपर -12 में जगह बना ली है। अब 22 अक्टूबर से सुपर -12 के मुकाबले शुरू होंगे, यानी दुनिया की टॉप -12 टीमें वर्ल्ड कप खिताब के लिए भिड़ेंगी। क्वालिफाइंग मुकाबले के आखिरी मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन जॉर्ज मुंसे ने बनाए, उन्होंने 51 बॉल का सामना किया और 54 रन की पारी खेली। वहीं कैलम मैकलियोड ने 26 बॉल पर 25 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट तेंदई चाटारा और रिचर्ड नगारवा ने लिए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 18.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे की ओर से सबसे ज्यादा रन क्रेग एरविन ने बनाए, उन्होंने 54 बॉल में 58 रन की पारी खेली। वहीं सिकंदर रजा के बल्ले से 23 बॉल में 40 रन निकले। अब सुपर -12 के ग्रुप एक में कौन कौन सी टीमें हैं जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। इंग्लैंड की टीम ने हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड पिछले टी20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम है। अफगानिस्तान की टीम सीधे सुपर -12 का मैच खेलने उतरेगी।
श्रीलंका की टीम नीदरलैंड को 16 रन से हराकर सुपर माइनस 12 में पहुंची है। आयरलैंड की टीम ने दो बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर सुपर माइनस 12 में पहुंची। अब ग्रुप दो की टीमों में कौन कौन सी टीमें हैं जान लेते हैं। भारतीय टीम इस बार रोहित शर्मा के रूप में नए कप्तान के साथ उतर रही है। जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड को हराकर सुपर माइनस 12 में पहुंची है। नीदरलैंड स्कॉट की कप्तानी में सुपर माइनस 12 में खेलेगी। साउथ अफ्रीका सुपर माइनस 12 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश सुपर माइनस 12 में भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में है। पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। तो ये है सुपर 12 की टीमें जो ICC T20 विश्व कप में नजर आएंगे खेलते हुए। ये 12 टीमें आपको एक बार फिर से ग्रुप पढ़ के दिखा देता हूँ। ग्रुप ए में कौन सी टीमें हैं और ग्रुप बी में कौन सी टीमें हैं। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये पहले से ही सुपर 12 में मौजूद थी। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री हुई है श्रीलंका और आयरलैंड की। तो ग्रुप ए में श्रीलंका और आयरलैंड की एंट्री हुई है और इन दोनों टीमों को मिला के ये 6 टीमें हो गई है ग्रुप ए में। अब ग्रुप बी में भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ये पहले से ही मौजूद थी सुपर 12 की जो टीमें थी ये पहले से ही मौजूद थी। सीधा सुपर 12 में ICC T20 विश्व कप खेलने उतरेंगी ये 4 टीमें। और यहाँ पर एंट्री हुई है जिम्बाब्वे और नीदरलैंड की। तो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड की यहाँ पर एंट्री हुई है और साथ ही ये दो टीम मिलाकर ये भी 6 टीमों का ग्रुप हो गया है ग्रुप बी। आज जो मुकाबला है ग्रुप ए का मुकाबला है 12:30 बजे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, 4:30 बजे इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला है। तो ये मज़ा आने वाला है दोनों टीमें। और पूरा शेड्यूल सुपर 12 के मुकाबलों का शेड्यूल भी हमने स्क्रीन पर दे रखा है, तो आप स्क्रीन पर शेड्यूल देख सकते हैं। और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। और नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने साथियों तक। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुपर 12 की टीमें और आज से शुरू हो रहे हैं सुपर 12 के सभी मुकाबले ICC T20 विश्व कप के लिए। मिशन मेलबॉर्न जो काफ़ी अरसे से चल रहा था वो आज से शुरू होगा कारवा मिशन मेलबॉर्न से। बहुत बहुत शुक्रिया।